नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सरहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान के रिश्तेदार और नीतीश कुमार के मंत्री के बेटे महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें, सनी हजारी पहले चिराग पासवान से मिले, फिर उनके जीजा से मिले, लेकिन कहीं पर भी दाल नहीं गली, जिसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और अब समस्तीपुर से चुनाव लड़ने वाले। उन्हें समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है, जिसके लिए वो पहले लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान से भी मिले थे, लेकिन चिराग ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जदयू के ही मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी को टिकट दे दिया। सांभवी महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव और पूर्व IPS कुणाल किशोर की बहू है। बता दें कि सनी हजारी के कांग्रेस में शामिल होने पर नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ जदयू के साथ हैं, उनके पुत्र के राजनीतिक फैसले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वहीं बता दें कि समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के उम्मीदवार का ऐलान होने से पहले महेश्वर हजारी बेटे सनी को साथ लेकर दिल्ली से चिराग पासवान और उनकी माँ रीना पासवान से मिले थे। लोजपा रामविलास के एक्स हैंडल से उस मुलाकात की फोटो भी जारी की गई थी। बता दें कि चुनाव को लेकर के एक और जहां पूरी तैयारियां की जा रही हैं, वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने को बेताब सनी हजारी एक सप्ताह पहले तक लोजपा जिंदाबाद कर रहे थे और अब टिकट की चाह में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के नामांकन में उनकी गाड़ी से लटक कर जमुई में फोटो भी खिंचवा रहे थे, लेकिन फिर टिकट नहीं मिलने पर अब कांग्रेस की झोली में शामिल हो गए हैं। मेरा रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।